नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण लेकर आया हूं जो कि हिंदुस्तान में जानी पहचानी शख्सियत है। मैं आज बात कर रहा हूं भारत के उद्योगपति श्री अनिल अंबानी जी की। उनकी कुंडली का एक विश्लेषण मैं लेकर आपके सामने आया हूं और इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी बताने की कोशिश करूंगा जिसे जानना और समझना हर व्यक्ति का अधिकार है। दोस्तों, ये कुंडली बनती है मकर लग्न की। श्री अनिल अंबानी जी का जन्म 4 जून 1959 रात को 10:30 बजे मुंबई में हुआ था। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि मुंबई में उस दिन सिर्फ इन्हीं का जन्म तो नहीं हुआ था, बहुत से लोगों का जन्म उस समय पर जरूर हुआ था मुंबई में। तो फिर क्यों नहीं सभी लोग इनकी तरह इतने बड़े बन पाए? एक ही समय पर जन्म लेने वाले अनेक लोगों का जीवन कैसे डिफरेंट होता है, क्या समानताएं उनमें होती है और क्या परिस्थितियां ऐसी होती है कि कोई एक तो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, मकर लग्न की कुंडली का मैंने पहले भी एक दो विश्लेषण बना करके YouTube पर डाले थे, आप लोगों को बहुत पसंद भी आए वो। मुझे लगा कि मकर लग्न की कुंडली के माध्यम से ही मैं आज आपको एक और ऐसी चीज बताऊं कि एक ही समय पर जब बहुत से लोगों का जन्म होता है तो कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं। एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो दूसरा वहां तक नहीं पहुंच पाता, आखिर कारण क्या है और उन कुंडलियों को कैसे देखा जाता है या कुंडली के माध्यम से हम कैसे उस चीज का पता लगाते हैं। दोस्तों, मकर लग्न की कुंडली है ये। मकर लग्न की कुंडली के स्वामी होते हैं शनि देव, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। लग्न के स्वामी स्वयं जब 12वें भाव में बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति खुले हाथों से खर्च करने वाला भी जरूर होता है। अब दोस्तों, बात करें यहां पर उन लोगों की भी जिन्होंने इस दिन जन्म लिया है और जिनकी कुंडली भी मकर लग्न की बन रही है और यही करीब करीब यही कुंडली उनकी बन रही है। मान लीजिए 1-2 मिनट के डिफरेंस में कुछ और लोग भी पैदा हुए मुंबई के अंदर, अब उनके जीवन में कैसे क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमाना हो, चाहे 1,00,000 रुपए महीना कमाता हो, चाहे 100 करोड़ रुपए महीना कमाता हो, वो अपने अनुसार धन खर्च करने की अधिकता जरूर रखेगा। इनके पास है जितना है उसके अनुसार खर्च करेंगे। कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ है वो अपने अनुसार खर्च करेगा। दोस्तों, एक बात आप समझिए, कुंडली के अंदर लग्न चार्ट तो बहुत लोगों का सेम बनेगा लेकिन सभी के पिता धीरूभाई अंबानी नहीं होंगे। उन्हें जो जन्म उन्होंने लिया है उसके आधार पर यह भी देखना पड़ेगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस घर में जन्म लिया है। हम अपने प्रारब्ध के अनुसार ही ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जिसके अनुसार हमारा भाग्य हमें वो देता है जो हम लिखवा कर लाए हैं। यहां पर इनका उस कुल में जन्म लेना ही अपने आप में एक भाग्य का अच्छा होना इंडिकेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने जिन्होंने जन्म लिया उनका भाग्य बेकार था। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उनके प्रारब्ध के अनुसार भी उनको अपने अपने अनुसार उस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला। लेकिन एक विशेषता सब में समान होगी कि सब अपने धन को अधिक व्यय करने वाले होंगे, ये बात निश्चित है क्योंकि लग्न के स्वामी स्वयं यहां पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों, एक बात और निश्चित है, यदि वो अपने जीवन का क्षेत्र ऐसा चुनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, केमिकल,
इस तरह के अगर व्यवसाय को वो चुनते हैं या वो क्षेत्र अपना कार्य क्षेत्र चुनते हैं तो यहां पर उन लोगों को सफलता मिलना भी निश्चित है। अब चूंकि दोस्तों जन्म तो हमने एक समय पर ले लिया, लेकिन कर्म हम सब के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जिन भी जातकों ने उस क्षेत्र को चुना होगा वो अपने अपने क्षेत्र में सफलताएं जरूर पाएंगे, ये बात निश्चित है। किसने कौन सा क्षेत्र चुना ये उनके विवेक पर निर्भर है। जैसी परिस्थिति हुई, जैसा उन्होंने क्षेत्र चुना, उसके आधार पर उनका जीवन निर्धारित होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु यहां तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में केतु है तो दोस्तों ये बात निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति के अपने पराक्रम में क्रिएटिविटी बहुत रखते हैं। कुछ ऐसा करने की तमन्ना, कुछ ऐसा करने की क्षमता उनमें जरूर होती है कि जो लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ डिफरेंट करने की। जैसे आपको पता है इन्होंने जब कम्युनिकेशन सेक्टर में कदम रखा था तो इन्होंने मोबाइल को इतना सस्ता कर दिया था कि एक आम आदमी तक उसकी पहुंच बड़ी आसानी से हो गई थी। सब लोगों के सामने ये बात थी कि ये आखिर संभव कैसे हो गया, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। इन्हें जो क्षेत्र मिला, इन्हें जो काबिलियत मिली, उसके अनुसार इन्होंने वो कर्म किया। लेकिन जितने भी जातक जिन्होंने इसी समय पर जन्म लिया, जिनकी लग्न कुंडली बन रही है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ इसी तरह का कुछ विशेष करने की योग्यता वो जरूर रखेंगे। चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के घर में पैदा हुए हों, चाहे छोटे बिजनेसमैन के घर में पैदा हुए हों, चाहे किसी गरीब के घर में पैदा हुए हों, लेकिन वो अपने पराक्रम से कुछ स्पेशल, कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटी करने की काबिलियत जरूर रखते हैं, ये बात सबके साथ निश्चित है। अब किसको कितना अवसर मिलेगा ये तय करेगा कि वो अपनी जिंदगी में आगे कितना बढ़ेंगे, लेकिन ये क्वालिटी सबको मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बुध की, सूर्य की और चंद्रमा की। ये तीन प्लैनेट यहां पर पंचम भाव में है। तीन प्लैनेट पंचम भाव में है तो दोस्तों ये बात निश्चित है कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र मारक होते हैं, और सूर्य चंद्र का मारक होकर के पंचम भाव में आने का मतलब ये है कि जीवन में जब भी उन्हें सूर्य और चंद्रमा की महादशा आएंगी तब तब अप्रत्याशित हानि होना निश्चित है, अनसर्टेन लॉस होना निश्चित है, धन का डूबना निश्चित है, कोई ऐसी चीज होना निश्चित है जिससे उनको हानि हो, मोटी हानि हो। दोस्तों एक होता है कुछ 2,000-5,000-10,000 का नुकसान हो गया, एक होता है कि आपने कोई काम किया बहुत बड़े लेवल पर करने की कोशिश की, उससे लगा आपको कि आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन कई बार होता ऐसा है कि हमें ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जो हमारी उम्मीदों के विपरीत होते हैं, और इतना मोटा हमें नुकसान लग जाता है कि जिसकी पूर्ति के लिए हमें कई वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों इस कुंडली में भी वही स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जब पंचम भाव में बनती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य और चंद्रमा की महादशा में अनसर्टेन लॉस होगा ही होगा, ये निश्चित है। और यदि ये महादशा उन्हें अपने जीवन काल में बाद में आएगी, मान लीजिए 70-80 वर्ष के पश्चात आ रही है, तो इनका अंतर प्रत्यंतर जब जब आएगा तब तब कोई नुकसान का काम होना निश्चित है। अब अगर बात करें हम इनकी, तो सूर्य की महादशा में ये पैदा हुए 1959 और चंद्रमा की महादशा इन्हें खत्म हुई 1973। दोस्तों 1959 से लेकर के 1973 चंद्रमा, सूर्य की महादशा और चंद्रमा की महादशा दोनों मारक पंचम भाव में बैठे हैं। ये बात निश्चित है दोस्तों कि यहां पर इनका प्रारंभिक जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, ये बात निश्चित है दोस्तों। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, बुध भी यहां पर बैठे हुए हैं। बुध इस कुंडली में योग कारक है, तो जितना डैमेज सूर्य और चंद्रमा करने की कोशिश करेंगे, बुध उस डैमेज को कम करने की कोशिश भी यहां पर जरूर करेंगे। और बुध यहां पर एक ऐसी बुद्धि का स्वामी बनाते हैं जो अपने नफे नुकसान को बहुत आसानी से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे जातक तुरंत ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस काम को करने से मुझे कितना लाभ होगा, होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, वो फटाफट उस कैलकुलेशन को कर लेते हैं।
बुध यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की क्षमता जरूर देंगे, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये दोनों यहां पर बैठ करके हानि कराने का काम जरूर करेंगे। साथ में कुछ डिसीजन ऐसे भी करवाएंगे व्यक्ति से जो आगे जाकर उनके लिए गलत साबित हो। तो जो भी जातक जिन्होंने इस समय पर जन्म लिया उन सबका जीवन आरंभिक काल कोई बहुत अच्छा रहा हो ये बात तय है कि ऐसा नहीं रहा होगा। अब चूंकि दोस्तों बात करते हैं उसके बाद 1973 से लेकर के 1980 की, दोस्तों उस समय पर इन्हें मंगल की महादशा आरंभ हुई। जीवन में जो ये चाहते हैं, जो तरक्की ये करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर जो इन्हें मिले हैं वो 1973 के बाद जरूर मिलेंगे, क्योंकि मंगल यहां पर सप्तम भाव में है। बेशक वो नीच के हैं, बेशक मंगल नीच के हैं, लेकिन मंगल नीच के 28 डिग्री पे होते हैं। कर्क राशि के अंदर मंगल 28 डिग्री पर नीच के होते हैं और यहां पर मंगल 8 डिग्री है। तो यहां पर यह कहा जाए मंगल नीच के हैं यह बात निश्चित है, लेकिन मंगल पूर्ण तरह से वो नीच के भी नहीं है, लेकिन कुंडली में योग कारक है। साथ में शुक्र भी साथ में बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों पत्नी का सुंदर होना, दाम्पत्य सुख का पूर्ण मिलना ये बात भी तय है। बहुत से काम पार्टनरशिप में करें उसमें सफलताएं मिले ये भी यहां पर होना निश्चित है। तो ऐसे में ये दोस्तों यदि कोई व्यक्ति लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो यहां पर उन्हें सफलता भी मिलती है, दाम्पत्य सुख भी ऐसे जातकों का अच्छा होता है, पत्नी भी उनको सुंदर मिलती है। यानी मैं ये कहूं ये जो जन्म जिस समय पर यह कुंडली बनी है, क्योंकि दोस्तों जिस नक्षत्र में यह पैदा हुए हैं 6 घंटे में नक्षत्र बदल जाते हैं, और जैसे ही 6 घंटे में नक्षत्र बदलेंगे ये कुंडली बेशक चाहे वही बने और लोगों की, लेकिन उसमें दशा महादशाओं में फर्क आ जाएगा। ये बात बहुत बारीकी से समझने की है दोस्तों कि लग्न चार्ट एक जैसा होने के बाद भी बहुत बार लोगों को अच्छे फल लेट मिलते हैं या पहले मिलते हैं, वो तय होता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके आधार पर आपकी विंशोत्तरी दशा के अंदर कौन सी महादशा कब शुरू हो रही है। यहां पर इन्हें मंगल की महादशा 1973 में लगी और 1980 तक रही। ये समय दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हुआ, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हुआ, और यहां पर इनकम ऑफ सोर्सेज भी बढ़ाने में ये समय बहुत अच्छा साबित होता है। यानी ऐसे समय पर व्यक्ति जो मेहनत करता है उसे उसका पूर्ण लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है, और यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जिसने इस समय पर जन्म लिया, जिसकी लग्न चार्ट यही बन रहा है और महादशा यही बन रही है। जैसे जैसे थोड़ा सा समय आगे पीछे होगा 10 मिनट 5 मिनट, तो इन डेट्स के अंदर जो मैं मंगल की महादशा कह रहा हूं इसमें कुछ कम या ज्यादा हो जाएगा, यानी 10 दिन पहले या 10 दिन बाद, लेकिन महादशा यही रहेगी जब तक कि नक्षत्र नहीं बदलेगा। नक्षत्र करीब 6 घंटे में बदलता है दोस्तों, 6 घंटे तक नक्षत्र यही रहेगा। अब 6 घंटे में नक्षत्र बदलने का मतलब है कि यहां 2-2.5 घंटे में तो लग्न भी बदल जाया करता है। यानी उस समय पर पैदा होने वाले प्रत्येक जातक को 90%, चूंकि यहां पर लग्नांश 7 डिग्री है, यानी 7 डिग्री पर यह कुंडली आती है, यानी इस मकर लग्न की कुंडली का लग्नांश जो है वो 7 डिग्री है, यानी तकरीबन आधा घंटा पहले ही लग्न बदला है। दोस्तों ये बात मैं कंपेयर करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि बड़े लोगों की कुंडली में तो बहुत बड़े योग होते होंगे इसलिए वो बड़े बन जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, कुंडली आपको केवल एक दिशा निर्देश देती है, एक परिस्थितियां देती है, उस परिस्थिति का आप अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करते हैं और आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार कैसा बैकग्राउंड मिला है यह तय करता है कि आप आगे कितना जाएंगे। हमारे अपने अच्छे कर्मों के आधार पर ही हमें अच्छे कुल मिलते हैं, कुल से मतलब हमारा वंश, और जब अच्छा वंश मिलता है, भाग्य हमारा साथ देता है, तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छी तरह से फलित होते हैं। दोस्तों मंगल शुक्र की युति है, सप्तम भाव में है, कुंडली के लिए अच्छी हो गई।
और 1973 से 80 का वो समय था जब इनकी सारी अभिलाषाएं इनकी पूरी हुई, लेकिन 1980 के बाद से लेकर 1998 तक राहु की महादशा, राहु इस कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं और बुध के घर में बैठे हुए हैं, बुध इस कुंडली में योग कारक है, पिता के स्थान पर बैठे हुए हैं। ये एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, बहुत से लोग नवम भाव को पिता का स्थान नहीं मानते, दशम मानते हैं, लेकिन मैंने अब तक जितनी भी हजारों कुंडलियां देखी है उसमें कभी भी नाइन्थ हाउस को मैंने पिता का घर मान के प्रेडिक्शंस दी है, आज तक कभी गलत नहीं हुई। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि नवम भाव हमारे पिता का होता है। मैं इस डिबेट में आगे इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि नवम भाव हमारा पिता का भी होता है। पिता के घर में राहु का होना यानी उस स्थान की वृद्धि कर देना, तो पिता से सहयोग प्राप्त होना, पिता का सुख मिलना, भाग्य में वृद्धि होना, यह राहु के कारण से जरूर होगा। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को उस समय पर भाग्य प्रचुर मात्रा में मौके देता है जिंदगी में आगे बढ़ने के। 1980 से लेकर 1998 वो 18 साल इनकी जिंदगी का स्वर्णिम काल हो सकता है दोस्तों। भाग्य पूरी तरह से साथ देता है, पूरी तरह से। व्यक्ति जो काम करना चाहे करता है और बहुत थोड़े परिश्रम से ही उसको पूरे रिजल्ट्स मिलते हैं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जिसका जन्म इस डेट ऑफ, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें हुआ है। वो अपने अपने कुंडली निकाल के देख लें, उस समय पर उनको इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में हुई है। कोई छोटा बिजनेस करता होगा तो वहां से एक शोरूम तक पहुंचा होगा, जिसको जैसा बैकग्राउंड मिला उसने अपने आधार पर वहां पर तरक्की की है। मान लीजिए कोई फोर्थ क्लास था, उसको इस समय पर तरक्की मिली होगी और उसने दो तीन ग्रेड आगे अपने आप को नौकरी के अंदर प्रमोशन के द्वारा लेके गया होगा। ये स्थिति उसके साथ में जरूर होगी। जैसे जिन परिस्थितियों में आप हैं उन परिस्थितियों में बहुत अच्छा इजाफा होना यह बात निश्चित है जब राहु की महादशा आपको लगेगी। यानी अनिल अंबानी जी के लिए भी 1980 से लेकर 1998 तक का वो समय था जब इनके जीवन में तरक्की बहुत हुई होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति की। दोस्तों मैंने मकर लगन की कुंडली के अंदर पहले भी बताया है कि बृहस्पति हमेशा मारक होते हैं, और मारक बृहस्पति जब 11वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी व्यक्ति जो चाहता है वो उसे इतना आसानी से नहीं मिलता, ये बात भी तय है। राहु की महादशा में मिला, राहु की महादशा जैसे ही खत्म होगी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई, जो चीज आसानी से मिल रही थी उसमें परेशानी आना निश्चित बात है। साथ में दोस्तों ये हमारा घर होता है बड़े भाई का, बृहस्पति मारक बन के 11वें भाव में बैठे हैं, ऐसे में जितने भी लोग हैं जिनकी कुंडली ये बनती है ये बात निश्चित है कि उनके या तो बड़े भाई होंगे नहीं, कुछ लोग होंगे जिनके बड़े भाई नहीं होंगे वो खुद बड़े होंगे, और जिनके बड़े भाई होंगे उनसे कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद यहां पर जरूर होगा। 11वें भाव में बृहस्पति मारक बनकर के बड़े भाई के सुख में कमी करते हैं, या तो वो होंगे नहीं, होंगे तो उनसे वैचारिक मतभेद जरूर होगा, ये बात निश्चित है। साथ में 11वें भाव में बैठ करके बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां ऑलरेडी पहले से दो मारक ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा। ऐसे में जीवन में बहुत बड़ा नुकसान इन्हें हो इसकी संभावना भी यहां पर जरूर बनेगी, और उसकी नींव कब पड़ेगी दोस्तों, 1998 के बाद से इनके जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर होंगी जब ये कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आगे जाकर इनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। दोस्तों ग्रहों का एक विशेष रोल और होता है। जब मारक ग्रहों की दशा आरंभ होती है तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है और जीवन में बहुत तरक्की भी कर लेते हैं, लेकिन वो तरक्की उस इंसान को बहुत ऊंचाई से गिराने के लिए होती है। वो महादशा व्यक्ति को जाते जाते वहीं ला करके छोड़ देती जहां से उसने अपना जीवन आरंभ किया था, बल्कि उससे भी उसको माइनस में कर देती है। यानी उस पूरे जीवन काल में जो कुछ कमाया वो सब कुछ बराबर हो जाता है जब मारक ग्रहों की दशाएं चलती हैं।
हमें लगता है कि हम ये काम कर लेंगे, हमें इसमें लाभ होगा, दिखता भी है, लेकिन जब उसे पूरा होता है, जब वो काम पूरा होता है, उसके रिजल्ट्स आने की बारी आती है, तब पता लगता है कि ये निर्णय तो हमारा गलत हो गया और इसमें हमें अब नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों बृहस्पति 11वें भाव में बैठ करके इनको यही नुकसान कर रहा है और ये 2014 तक रहा है। दोस्तों ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इस समय उनकी स्थिति कैसी है। कई कंपनियां कर्ज के अंदर डूबी हुई हैं, बहुत विकट परिस्थितियां इस समय उनकी कंपनियों की चल रही हैं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की महादशा के कारण से है। यदि दोस्तों बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक होते, मान लीजिए एक परसेंट के लिए हम मान लेते हैं कि बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक होते, तो क्या होता? इस समय पर ये अपने जीवन में बुलंदियों को छू रहे होते, जैसे इनके बड़े भाई। उसी तरीके से ये भी अपने जीवन में बुलंदियों को छू रहे होते। दोस्तों देखिए, दोनों को एक ही माहौल मिला, एक ही तरह की योग्यताएं मिली, लेकिन महादशाओं के आधार पर बृहस्पति ने उनको कहां रखा है और दूसरे व्यक्ति भाई को कहां पर लेके गए हैं। दोस्तों ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि जब मारक ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को कितना परेशान करते हैं। और बृहस्पति इस कुंडली में मारक है, इसका लाइव एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि 2014 तक इनकी आर्थिक स्थिति में इनको कितना बड़ा डैमेज बृहस्पति ने दिया है, ये बात आपके सबके सामने है। अब चूंकि दोस्तों शनि की हम बात करते हैं, शनि 12वें भाव में बैठे हैं, व्यय की अधिकता तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपव्यय नहीं होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट हम जिसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है और उन्हीं क्षेत्रों में करता है जो शनि से संबंधित होते हैं। चूंकि कारक है इसलिए अपने क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, मारक होते तो फालतू खर्च कराते, हॉस्पिटलों में खर्च कराते, और बहुत से ऐसे मौके बनते हैं शनि के 12वें भाव में मारक बनने पर जब उनको वो नुकसान करवाते हैं। लेकिन यहां शनि योग कारक है इसीलिए इनको उन क्षेत्रों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया और बृहस्पति के कारण से उन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इनको नहीं मिला क्योंकि महादशा बृहस्पति की थी। 2014 के बाद से इनको शनि की महादशा आरंभ हुई है और शनि चूंकि इनकी कुंडली में योग कारक तो है लेकिन 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए बहुत कुछ खर्च करने के बाद भी ये अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 12वें भाव में शनि बैठे हैं। तो शनि 12वें भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से छठे स्थान को देख रहे हैं, वो हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन का भी होता है। तो यहां पर बहुत जो मुसीबतें इनके ऊपर आ रही है, आर्थिक परेशानी आ रही है, उससे बाहर निकलने का रास्ता शनि 2014 के बाद से इनको देने लगे हैं। यानी 2014 के बाद से निरंतर इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने आप को किसी तरह से इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाल लूं और ये परिस्थितियां बनाने का काम शनि यहां पर जरूर कर रहे हैं। 2017 में सितंबर 2017 से इन्हें बुध की महादशा लगी है। बुध की महादशा से मतलब मेरा शनि में बुध का अंतर लगा है। बुध का अंतर लगा है, बुध पंचम स्थान पर बैठे हैं, तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएंगे ताकि इनके नुकसान में इनको कमी हो। चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की महादशाएं तो जा चुकी है लेकिन जब शनि में सूर्य का अंतर आएगा और चंद्रमा का अंतर आएगा तब इनको फिर नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, तब फिर कोई ऐसे काम होंगे जब इनको नुकसान जरूर होंगे और वो 2024 के अंदर आएगा। दोस्तों यानी 2024 में फिर इन्हें कोई बड़ा नुकसान हो इसकी पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों ऐसा होगा ही होगा। 2024 से लेकर के 2027 मार्च 2027 तक ये 3 साल फिर इनके लिए बड़े नुकसान वाले साबित होंगे क्योंकि शनि में सूर्य और शनि में फिर चंद्रमा का अंतर आएगा और वैसे भी शनि में सूर्य और शनि में चंद्रमा का अंतर कभी अच्छा जाता भी नहीं है और यहां मारक बन के बैठे हैं तो वैसे भी अच्छा नहीं जाएगा।
दोस्तों इस कुंडली विश्लेषण को आपके सामने लाने का उद्देश्य मेरा एक यही है कि यदि आपको ये पता लग जाए कि आपका कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है, तो उस समय पर आपको अपना व्यवहार, अपना बिजनेस, अपनी परिस्थितियां किस तरह से कंट्रोल करनी है ये आपको पता होना चाहिए। उस समय पर चाहे जो जितनी भी बढ़िया तरीके से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, आपको यह समझना होगा कि ये मुझे आगे ले जाकर के नुकसान देंगी ही देंगी। उस समय पर अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख करके काम करना आपके लिए सदैव उचित होता है। और जिस समय आपकी महादशा अच्छे प्लैनेट्स की चलती है, उस समय पर आप अपने जीवन में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 2033 तक इनको शनि की महादशा रहेगी, उसके बाद फिर बुध की महादशा, उसके बाद केतु की महादशा, यानी 2014 के बाद का समय तो धीरे धीरे इनके लिए अच्छा आ ही रहा है। लेकिन जब जब इनको इन महादशाओं में भी बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का अंतर, प्रतिअंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में जब जब ही आएंगे, तब तब परेशान जरूर करेंगे, और इसके लिए इन्हें इन तीनों ग्रहों के उपाय करने जरूरी है। उपाय क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये व्यक्तिगत ही बताना सर्वथा उचित है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसकी डिग्री, उसके नवमांश चार्ट वगैरह सब डिफरेंट होते हैं, और उनको क्या उपाय किए जाने चाहिए ये व्यक्तिगत ही बताया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत से लोग कॉपी कर लेते हैं कि मेरी मकर लग्न की कुंडली है तो मेरे भी एक ग्रह मारक है तो मैं भी उपाय कर लेता हूं। हो सकता है महादशा उन्हें कुछ और चल रही हो, किसी योग कारक प्लैनेट की महादशा चल रही हो या किसी मारक ग्रहों की महादशा चल रही हो, उपाय बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। दोस्तों अनिल अंबानी जी की कुंडली को आपके सामने मैं लेकर आया ये बताने के लिए कि एक ही समय पर यदि बहुत से लोग जन्म ले रहे हैं तो भी उनके परिणाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन मूलभूत गुण जो होते हैं, मूलभूत परिस्थितियां जो होती हैं, वो सबको एक जैसी मिलेंगी। उन परिस्थितियों को वो किस तरह से लेते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, यही उनके जीवन में तय करता है कि वो कितनी ऊंचाई तक आगे जाएंगे। खाली कुंडली के माध्यम से आप सोचे कि आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कुंडली तो एक माध्यम है आपको ये बताने के लिए कि आपके जीवन में आने वाला समय किस तरह का है, आपको क्या देने की वो ताकत रखता है या क्या लेने की ताकत रखता है। उसके आधार पर जब अपना कर्म निर्धारित करते हैं तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे कुछ वीडियो इस बात पर भी बनाने चाहिए कि क्यों कुंडली में कोई ग्रह मारक बन के, कारक बन के कैसे रिजल्ट को इंपैक्ट करता है। क्योंकि ब्रह्मांड में तो एक ही प्लैनेट है, सूर्य तो एक ही है, बृहस्पति एक ही है, शनि एक ही है, फिर किसी के लिए मारक, किसी के लिए कारक क्यों? आखिर क्या कारण है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अगली सीरीज में मैं ये सब चीजें लेकर आऊंगा और आपको वैज्ञानिक तौर पर, एक साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा कि क्यों कुंडली के अंदर एक ग्रह मारक बनता है, क्यों एक कुंडली में कोई ग्रह कारक बनता है, कैसे एक व्यक्ति को शनि अच्छे रिजल्ट देता है, कैसे एक व्यक्ति को शनि बुरे रिजल्ट देता है, क्यों हम उन ग्रहों के प्रभाव से इतने प्रभावित होते हैं कि हमारे जीवन में वो घटनाएं घटित होती है, ये मैं सीरीज जरूर लेके आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और बहुत ही साइंटिफिकली, कोई कथा कहानियों के माध्यम से नहीं, साइंटिफिकली, जिसे आप खुद भी ये समझेंगे कि हां ये जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सटीक है, वैज्ञानिक आधार पर उसको कसौटी पर खरा उतरना ही होगा उन बातों को, यह मैं आपसे आज वादा करता हूं। दोस्तों उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल बटन आइकन को उसको आप दबाइए। मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे अपनी डिटेल भेज सकते हैं, आप मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी परामर्श ले सकते हैं और फोन के माध्यम से भी आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। दोस्तों अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।